24 से मैं जोनी चंदा, जैसे कि आपके सामने खास मकसद मेरा ये, जैसे कि आप जानते हैं पिछले सोमवार से मैं कंटिन्यू एक न्यूज़ का कवरेज कर रहा हूँ, जो हमारी बहन सोलापुर की बेटी सुनीता का जो अपहरण करके मर्डर किया गया है उस मामले में कंटिन्यू मैं उसी के पीछे मैं फॉलो कर रहा हूँ, और न्यूज़ जितना मुझे उसकी मालूम मिल रही है मैं सोलापुर की जनता के सामने वो मैं ला के रख रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों के सामने मैंने ये बात रखी, जैसे कि आप जानते हैं मैंने पालक मंत्री के सामने ये मैंने बात रखी थी, फारूक साहब भी उनके सामने मैंने बात रखी, राजकुमार हंसाडे उनके सामने बात रखी थी मैंने, और मोहड़कर साहब उनके सामने भी मैंने बात रखी थी। जितनी कोशिश वो अपने से कर रहे हैं, कोशिश जैसे कि लड़की की माँ सुनी थी कि जो माँ है वो बहुत इंसाफ के लिए, एक्चुअली उनके घर में कोई जेंट्स बंदा नहीं है। सुनीता के पापा का 11 साल पहले इंतकाल हुआ है, उसकी मम्मी अकेले है, वहाँ पर क्या चला, हॉस्पिटल में क्या हुआ, जो पूरा मामले से वो बहुत परेशान है और सोलापुर लोगों से मदद चाहती है। तो इस वक्त मैं आपके सामने आने का मेरा फिलहाल खास मकसद ये है कि अभी इस वक्त मैं महाराष्ट्र का कामराज सेना विष्णु कारमपुरी महाराज के पास यहाँ पर आया हूँ, जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाम के मोहताज नहीं है, कि हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों की हेल्प के लिए हमेशा वो आधी रात को वो हाजिर रहते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शहर सोलापुर में मल्लिक अर्जुन नगर में एक लड़की का अपहरण हो गया, उसे मर्डर किया गया, इसकी माहिती आपको है या अभी हमारे जरिए पता चल गया आपको? नहीं, इसकी मालूम हमको प्रसिद्धि माध्यम से पेपर के जरिए हमको मालूम हो गया है, मगर इसमें जो लड़की है सुनीता के लड़की और ज्योतिबा गायकवाड़ जो लड़का है जी, इसमें दोनों में अफेयर है ऐसा उसमें थोड़ा तो कुछ पेपर में, कुछ न्यूज़ पेपर में हम सुने, मगर वो लड़की को जब मांगने गए, लड़की को हमारा लड़के को देने के लिए वो गायकवाड़ परिवार गए, तो उन्होंने बोला हमारा लड़की अभी छोटी है, 17 साल की है, और उसके बाद हम इसको लड़की भी सीखना चाहती है, इसमें से अभी हम नहीं देते हैं। और लड़की की उम्र भी काफ़ी बड़ी थी, लड़की की उम्र तो लड़का का तो उम्र 29 साल थे, 38 साल क्या तो ऐसा बताया, 29 साल, हाँ 29 साल ऐसा समझ में आया जी, मगर कैसा है ये हमारे वो क्या हमारे को उसके लेना देना है जी, मगर हमको क्या हमारी लड़की सीख के अच्छा शिक्षण, कलेक्टर या वो डॉक्टर कुछ तो बनना, ऐसा इसका हमारा इरादा है, हमारा मन में है, इसलिए हम लड़की नहीं दे सकते। जैसे कि सरकार आज सरकार एक बहुत बड़ा एक नारा आज हिंदुस्तान में लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही सपने को ये अपनी सुनीता हमारी बहन जो कोशिश कर रही थी आईपीएस बनने का सपना था बराबर, मगर उसको सपने के साथ सुनीता को खत्म कर दिया गया यहाँ पर। नहीं नहीं, कैसा है इसके बारे में, जो हमारे को लड़की होना है तो वो रिश्तेदार मांगो वो देंगे नहीं देंगे उनके मन में नहीं जी, मगर नहीं दे रहे बोल के कुछ तो खुन्नस यहाँ दिल में खोट रख के, या ऐसा यहाँ पे उनके माता जी बोल रहे हैं सुनीता की जी, या हमारे लड़के को उठा के किडनैप करके जी ख़त्म करके, और हम नहीं कुछ करे चक्कर आके गिरे ऐसा बोल के हमारा मैसेज भी आए, और हॉस्पिटल वाले कैसा चुप बैठे, एकादा सादा MLC रहा जी 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 जो मारामारी हुआ तो पुलिस केस करे बगैर हाथ में नहीं लेते, ये तो पूरा वो पहले मरे या उधर जाने के बाद मरे क्या भी होते MLC करने के बाद देने का उनका। सबसे बड़ी बात मैं सोलापुर वालों की बताना चाहता हूँ कि सुनीता को रात भर हॉस्पिटल में रखा गया पूरी रात, जबकि सुनीता की मम्मी को डॉक्टर ने कहा कि जब जिस वक्त लड़की को यहाँ लाया गया उस वक्त लड़की डेड थी, तो फिर रात भर क्यों रखा गया, सुनीता की मम्मी का ये कहना है क्यों रखा गया रात, वो क्यों रखा गया इसके बारे में अपने पुलिस खाता अपने सोलापुर के कर्तव्य दक्ष कमिश्नर है अंकुश शिंदे साहब जी जी, उन्होंने और उनके साथीदार जो MRDC पुलिस स्टेशन में आता है वो उन्होंने लेके ये तुम ये लड़की को रात भर क्यों रख लिए, इधर से इधर शुरू किए हाँ। तो उसका पूरा मसला सामने आएगा हाँ। और जो उसमें बुरे काम किए हो जो गुनहगार है उसको शिक्षा हो जाएगा वो होएगा, मगर जब जा मूल है जी, जो उधर तुम नहीं पकड़ रहे वही मूल है, मूल जो है ना तो जो उसका शुरुआत है वो शुरुआत पकड़ने से पूरा हो जाएगा। जैसे कि उससे पहले और एक बात, लड़की की माँ का ये कहना है कि जब ऑटो में डाल के जब हॉस्पिटल को ले गए, अगर ऑटो वाले को भी अगर पकड़ते तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। बराबर। अभी इसके बारे में हम आप बोले हम पेपर में पढ़े जी, या अपने इधर प्रसिद्धि माध्यम से चैनल से हम सुन ले रहे, इसके बारे में आप 7 न्यूज 24 तास को इतना बधाई देता हूँ कि बाबा एक अन्याय ग्रस्त होकर
दूसरे दूसरे रहे वो है ना कहा खत्म बात खत्म कर देते उसके वो फिर मरे हुए मुर्दे को निकाल के उसको चौकसी करना जो प्रयत्न चल रहा है उसको बहुत बड़ा अनसाप करता हूँ मैं। इसके बाद मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अपन पेपर के माध्यम से या आपका मुलाकात के माध्यम से ऐसे तो आप अभी आपके कहने से हम मुलाकात दे रहे हैं जी हमारा इधर क्या है वो कह रहे हम आपका ओपिनियन दे रहे हैं जी। मगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वो माता जी सुनीता जी माता जी गए माता जी को खुद कल मिल के जी क्या परिस्थिति है जी वो परिस्थिति का पूर्ण जायजा उनका मालूमत लेके इसके बारे में उनको क्या होना चाहिए क्या इंसाफ चाहिए कैसा इंसाफ चाहिए ये लेने का मैं 100% का प्रयत्न करूँगा। क्यों कि उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने शक्ति एक कायदा बनाया जी वो शक्ति कायदे से इतना जबरदस्त कायदा है वो जो ऐसा काम करता है वो जगह पर उसको सच उसको कार्रवाई करना अटैक करना न तो अंदर डालना और उसको पूरा शिक्षा होता है फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ये केस चलाना ऐसा उनका कायदा है उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा। और वह तो अपने महिला आघाड़ी के नीलमताई गोरे सभापति है ऐसी बात जब मैं उसको बताया उनको लेटर पे आ या मेल किया तो वो खुद भी आके इस बारे में उन्होंने बातचीत करके उसको इंसाफ दिलाते। जैसे सुनीता की मम्मी का और ये कहना है कि लड़की के ऊपर 300 तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट लगाया गया है जबकि उनका यही कहना है कि 300 तो लगा दिए लड़की को अपहरण करे किडनैप करे उसको गला दबा के बाजार था उसको गले पे स्क्रैचेस थे बोलते स्क्रैचेस थे तो उसको किडनैप करके उसको मारा गया है तो सिर्फ 300 तो लगाए तो उनका कहना है कि और एक कलम था जो पोस्का ये लगाना चाहिए था। आज के गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि 18 साल की कम उम्र की लड़कियों को अगर घुरकी भी देखते हैं तो उसको पोस्का लगाया जाता है तो इन्हें पोस्का क्यों नहीं लगाया ये सुनीता की मम्मी का कहना है। इस बारे में जी मैं बार बार बता रहा हूँ जी कि आपके जो तुम्हारा जो भावना है जी सर वो भावनाओं को न्याय मिलाने के लिए आपका आत्मा तक पड़ रहा है जी जी सर मगर मेरा ऐसा कहना है मैं सुनीता के मम्मी से पूरा बातचीत करने करते बातचीत करने के साथ उसको ऐसा न्याय दिलाऊंगा कि सोलापुर या अखे महाराष्ट्र नहीं अखे हिंदुस्तान में इस बारे में न्याय दिलाए 7 News 24 ने ऐसा बोल के आपका चैनल का तो अच्छे बात हो गया और जो गुनहगार जो उनको सजा मिलना चाहिए और जो गुनहगार दूसरे को सामने करके पीछे छुप रहा था उसको सजा मिलेगा ऐसा मैं काम करूंगा। और महाराष्ट्र कामगार सेना अभी तक ऐसा कुटले कौन सा ही बात रहने दो छुपा के या उसके बारे में सच समझो दोनों बाजे दोनों सुन ले के मतलब हकीकत तो अपनी बच्ची मरी है जी सर सुनीता के बेटी बोलता अपनी बेटी अपनी बेटी है सोलह की बेटी उनका तो इरादा था मैं IPS होना बहुत बड़ा उनका सपना था इसलिए मैं सुनीता के माँ से मिलूंगा कल मिलने के साथ पूरा उनका जानकारी लूंगा जानकारी लेने के साथ उसको उद्धव ठाकरे के साथ में बात करना है क्या गृह मंत्री से बात करना है क्या नीलमताई गोरे से बात करना है क्या ये सब बातचीत करके उसका फॉलोअप करके वो जो गुनहगार है 302 रखे पोस्का लगाना चाहिए या इधर कमिश्नर साहब जो कर्तव्य दक्ष कमिश्नर है जी वो किसी बात को ये करते नहीं के छुपाते नहीं जी जी इसलिए उनको कुछ मिसगाइडेंस दिया होगा जी उसके बारे में तो हॉस्पिटल जो सहकार रुग्णालय है वो कुछ उसमें गलती नहीं उनको भी कार्रवाई होना चाहिए और वो जो गुनहगार कायदा परिसर है और ये गायकवाड़ कुटुंब पूरा इसमें वो पोस्का का लगाने का जो यहाँ होना चाहिए ऐसा प्रकार का हम महाराष्ट्र कामगार सेने से और से एक शिवसैनिक बोल के मैं यहाँ काम करता हूँ इसलिए काम पूरा करके रहूँगा। और कल हम मिलने के साथ आप जो बता रहे मेरे को तो जो मालूमत जी जी उससे भी ज़्यादा मालूमत आप उनके से लेके माताजी से अच्छा माताजी से जो मालूमत देते वो मालूमत दे के सुनीता को और सुनीता के कुटुंबीय को न्याय मिला से मैं चुप बैठने वाला नहीं है ऐसा आपको मैं बता जी बिल्कुल जैसे कि मैं शायद सोलापुर की से जो सुनीता की मम्मी है जब मैं उनसे जब भी मिला मैंने 5-6 वक्त उनके घर पर गया था तो उनकी दिल से कहा निकली सोलापुर वालों के लिए वो सोलापुर उनके जो दिग्गज लोग हैं वो लोगों मदद के लिए चाह रहे तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा सुना था कि बेहद सुनहरा है सोलापुर समंदर से गहरा है हमारा सोलापुर मगर एक माँ की सदा सुन न पाए
मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है बहरा है गूंगा है शोलापुर। मैं देखिए कोशिश देख रहा हूँ, मैं इसका आवाज़ कितना दबाया जा रहा है। जैसे कि आप और एक बात कहता हूँ, मैं महाराज के सामने मैं बताता हूँ कि शोलापुर की जनता को कि जब लड़की का डेड हुआ, मर्डर हो गया, इन्फॉर्मेशन हुई, तो जो स्टेटमेंट जो होता है साहब किससे लिया जाता है, लड़की का डेड हुआ तो स्टेटमेंट माँ से लिया जाता है, तो माँ से नहीं लिया गया, बेटी से लिया गया। माँ का ये भी कहना है कि स्टेटमेंट माँ से लिया जाता है। एक तो ऑलरेडी उसकी एक लड़की डेड हो गई है, चली गई है, फिर दूसरी लड़की कोर्ट कचहरी में कैसे डालेंगे, तो माँ का ये भी कहना है। मामले में एक ही समझ में आता है जी, ये पूरा प्रकरण दबाने का कहाँ तो कोशिश चल रहा है ऐसा आपके कहने से समझ में आता है। मगर आप जो लफ्ज किए हुए कि सोलापुर के बारे में जो माँ पुकार रहे माँ का आवाज़ आप सब तरफ पहुँचा रहे, मगर जब वो माँ का आवाज़ पहुँचा रहे वो आवाज़ सुन के पूरा सोलापुर एक हो जाएगा। आप जो सोलापुर भैरे भीरे ऐसा नहीं, सोलापुर सौ बंदर सोलापुर के अंदर, और तुम सब कहाँ भी जाओ एक वीर है सोलापुर का, अपना अपना जब काम करते जो सोलापुर में इतिहास गढ़ते किधर भी नहीं होता। राजकीय हो सामाजिक हो क्रांतिकारक हो, आपने सोलापुर में स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को मिला जी, और सोलापुर में 1930 साल को स्वतंत्र एक दिन पूरा आपने 3 दिन का स्वतंत्र मिला, ऐसा सोलापुर का शहर है। इसलिए आप उसके बारे में आप जो कोशिश कर रहे होता है होते रहता है, कहाँ जा लोग आगे आते हैं, मगर वो जिसका अन्याय उन नए आगे आते हैं, और यहाँ अन्याय का होने वाला सामने आ रहा है तो आप उन पूरा इसको न्याय दिलाए बगैर चुप बैठने का। या आज भी उनकी मम्मी उन घर के दरवाजे पर बैठती है कि ट्यूशन को गई है, अभी मेरी लड़की ट्यूशन गई, आई घर को आई नहीं, ट्यूशन से हॉस्पिटल से सीधा पोस्टमार्टम से सीधा अंत्य संस्कार हुआ। आज भी वो दरवाजे में मेरी बेटी ट्यूशन से आ रही है, वो इंतजार कर रही है। तो 7/24 से मैं जुने चंदा, हम कल महाराज हम उनके सुनीता की मम्मी के घर जाएंगे और उनसे बातचीत करके आगे कार्रवाई महाराज कोशिश करेंगे। 7/24 से मैं जुने चंदा और मेरे सहयोगी असलम शेख।